दोस्तों, अगर आपका भी जो है सुपर वीपीएन में आपका सुपर वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप लोग जैसे कनेक्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखा हो रहा है कनेक्शन एरर, प्लीज़ रीट्राई। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे सुपर वीपीएन के अंदर, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको भी सुपर वीपीएन के अंदर कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे फिक्स करना है, ठीक करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले काम क्या करना है, सुपर वीपीएन को ओपन करना है। सुपर वीपीएन को ओपन करने के बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन एरर की, तो सबसे पहले आपको आपका नेटवर्क चेक करना है कि आपका नेट सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। क्योंकि नेट नहीं चल रहा तब जो है प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, अपना फ्लाइट मोड को थोड़ी देर ऑन करना है। जैसे ऑन कर लोगे तो आप वेट कर रखा है इसमें नेट के लिए, तो यहाँ पर मेरे वाईफाई है, वाईफाई ऑन थी अभी। तो आपको क्या करना, थोड़ी देर फ्लाइट मोड को ऑन करना है, उसके बाद ऑफ़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वीपीएन को यूज़ करना है, तो आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। और आपको मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एरो का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और आपका वीपीएन जो है, अगर आपने फ्रांस से कनेक्ट किया था और वहाँ पर एरर आ रहा था, तो आपको यूएस से कनेक्ट करना, मतलब आपको अलग अलग यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर मेरा जो है आपकी वापस से यूएस से कर रहा हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको कंट्री चेंज करके कनेक्ट करना है, तो आपका वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा किसी न किसी से। क्योंकि कभी कभी क्या किसी किसी का सर्वर जो है डाउन चलता रहता है वीपीएन का भी किसी कंट्री का, तो आपको क्या करना है, क्या करना, कंट्री चेंज करके देखना, तो आपका जो है वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो मेरा वीपीएन जो है कनेक्ट हो गया यूएस से। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चेंज करके देख लेना, आपका वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना, अगर आपका आपने यूएस से किया और यहाँ पर सर्वर एरर आ रहा था वो, तो आपको यहाँ पर दूसरा जो है चेंज करके देखना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, पर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री चेंज कर लेना है, दूसरी अगर उससे कनेक्ट नहीं होता उससे कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है कनेक्ट करोगे तो आपका जो है कनेक्ट होने लग जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है कि कंट्री वगैरह चेंज करने के बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर जो है नेटवर्क एरर की, तो आपको यहाँ पर एक काम और कर लेना है। आपको क्या करना है, इसका डाटा क्लियर कर लेना है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ऐप पर, और ऐप इन्फो पर आपको क्लिक करना है। बाकी आप लोग मैंने जो पहले बताया वो कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर नहीं होते फिर आपको क्या करना है, इसका डाटा क्लियर कर लेना है। तो ऐप इन्फो पर आपको क्लिक करना है, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ स्टॉप का, इस पर आपको क्लिक करना है, फोर्थ स्टॉप कर लेना है। क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, क्लियर कैसे कर देना है, और इसका डाटा जो है क्लियर और डाटा कर लेना है। तो आप लोग अब इस तरह कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अब आपको नेटवर्क एरर नहीं आएगा। बाकी आपका आपका जो नेटवर्क है वो भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि नेटवर्क अगर ठीक से नहीं चलेगा तो वीपीएन भी ठीक से कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। अब आप लोग वीपीएन को यूज़ करोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम आते हैं फिर भी तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।